सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन अहमद अली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद अली है, ऑनलाइन अहमद अली में खुशामदीद करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपना थंबनेल तैयार करना है, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने वीडियो क्रिएट की थी एक चिल्ड्रंस के हवाले से टॉप 10 की। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। तो अब हम अगर अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर यहाँ पर ये देखें, बेबी के नाम का एक फोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर आप लोगों की वो वीडियो बन गई जो हमने प्रोड्यूस पर लगाई थी। ठीक है, ये 1 नंबर की वीडियो, ये आगे करते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इस तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये वीडियो बन गई है हमारी। अब वीडियो के साथ साथ हम लोग अपना थंबनेल भी क्रिएट करते रहते हैं। थंबनेल क्रिएट करने से ये होता है कि थंबनेल क्रिएट करने के 3-4 स्टेप्स होते हैं। वैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ वीडियोस मेरी बनी हुई है जिसपे थंबनेल मैंने क्रिएट करके बनाया है कि एक बेस्ट थंबनेल किस तरह से अपने बना सकते हैं, तो आप वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, तो आप लोगों ने थंबनेल किस तरह क्रिएट करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्मल थंबनेल जल्द से जल्द क्रिएट करके दिखाऊंगा, वीडियो शॉर्ट करनी है हमने इस वजह से। तो सिंपल आपने कैमटास्टिया स्टूडियो खोलना है, जो आप वीडियो के अंदर डाल रहे हैं वही आपने थंबनेल में बनाना है। जस्ट लाइक मैंने 10 पिक्चर डाली हैं तो आप 10 ना डालें, लाजमी नहीं 10 डालें, आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं 10 लेता हूँ, कंट्रोल एन दबाता हूँ, दबाने के बाद यहाँ पर 1 2 यहाँ पर लिख रहे हैं 1280 और 720, 300 जो है इसका जो है पिक्सल सेंटीमीटर रेजोल्यूशन रखनी है। और उसके बाद ये बिट आप कोई सी भी 16 बिट 32 बिट कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा बिट सिलेक्ट करेंगे उतनी पिक्चर की देखें साइज बढ़ता जा रहा है, जब साइज बढ़ता जाएगा तो आपकी पिक्चर भी जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, साइज़ के हिसाब से पिक्चर चल रही होती है। अब आपने क्या करना है कि एक आपके पास एक थंबनेल का साइज़ आ गया है सिंपल, अब आप सिंपल जो है, मैं आप लोगों को सिंपल एक क्लासिक थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह से कुछ तस्वीरें ले लें और उन तस्वीरों को इस तरह से पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद इस तरह से मिक्सचअप कर दें और ऊपर कुछ भी लिख दें अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से आप लोग थंबनेल अपना क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कंट्रोल टी दबाएं, इसका साइज़ छोटा करते हैं और यहाँ लगा देते हैं इसको, और दूसरा कोई बेबी लेते हैं, और ये तो इंटर तो किया ही मैंने, कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी, इसका साइज़ छोटा किया और इसको इंटर दबा दिया। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद और इमेजेस ले लें बच्चों के, उसको भी कंट्रोल टी दबाएं, कंट्रोल टी और साइज़ थोड़ा छोटा करके इंटर कर दें। और उसके बाद अब यहाँ पर कुछ भी आप लिख दें बड़ा बड़ा करके, आपकी मर्ज़ी है, आप ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थंबनेल वही होता है। ब्यूटी बेबी लिख देता हूँ, बेबी लिख दूँगा बस। थंबनेल वही होता है जिस पर आपकी पिक्चर ज़्यादा हों, ठीक है, उसमें थंबनेल बेहतर काम कर रहा होता है, पर शर्त ये है कि पिक्चर जो है आपकी अपनी होनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपका कंटेंट अपना होता है, आपका कभी भी चैनल बंद नहीं होता और प्रॉब्लम्स नहीं आती आपके चैनल पर। इस तरह से कोई भी यहाँ से कलर दे दें या फिर स्ट्रॉन्ग कलर दे दें कोई, जो कि नज़र आने चाहिए, नहीं है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोई कलर, तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग इस तरह का डिफरेंट कलर हो बिल्कुल, जो कि कंटेंट पर नज़र आए। तो यहाँ जाते हैं डार्क ब्लू, ये भी ठीक है, थोड़ा सा और कर लेता हूँ इसको, इधर से ब्लैक टाइप कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, नहीं ये तो नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा वाइट देते हैं, हाँ ठीक है, इसको सेव करें और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एस, ये हो गया सेव एज, डेस्कटॉप पर आ जाएं और यहाँ जाके जे लिखेंगे, जैसे आप JPEG का इमेज आएगा, सेव कर दें और उसको बेसिक पे जाकर फुल करके और उसको सेव करें, ताकि आप लोगों की इमेज बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ वाजे हो। ये आप लोगों का आपका एक थंबनेल बन गया, इसको मैं कट करके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद चलते हैं अपने टाइटल की तरफ, ये हमारा टाइटल था, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एडिट करके नाम डालना है यहाँ पर, और इसको भी एडिट करके नाम डालना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी SEO सिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने डिटेल में जाना है और पेस्ट पेस्ट और इधर जाके 5 स्टार और पेस्ट और पेस्ट, इस तरह से पेस्ट कर देना है ताकि आप लोगों का कंटेंट जो है चलती रैंक हो। ठीक है, ये आप लोगों ने करने के बाद आपने आ जाना है चैनल के अंदर और इसको दबाना है प्लस को,
चलो भाई, प्लस दबाने के बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। मैं ज़रा इसका साइज़ देख लूँ, कितने एमबी का? ये 13 एमबी की फाइल है, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इसको हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसके टैग वगैरह बनाने हैं। किस तरह से इसके टैग बनेंगे, किस तरह से इसके जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, ये अपलोड वीडियो पर क्लिक किया मैंने। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ से, अच्छा अपलोड जब भी आपने वीडियो करनी है यहाँ पर अनलिस्ट रखना है। अनलिस्ट इसलिए रखना है ताकि आपका कंटेंट डायरेक्ट अपलोड ना हो जाए, क्योंकि उसमें फिर हम लोगों ने एडिटिंग वगैरह करनी होती है। वो एडिटिंग करते हैं तो फिर ही हमारा जाके कंटेंट चल रहा होता है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। आप लोगों ने अपलोडिंग पे लगाया, जैसे ही अपलोड हो जाती है तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इसकी सारी सेटिंग्स मैं उसके अंदर बताऊँ, कैसा डिस्क्रिप्शन ऐड करने, कैसा टैग ऐड करने, हर चीज़। क्योंकि नेट की स्पीड स्लो है, अगर मैं अपलोडिंग करने में बैठ गया और दूसरी चीज़ें बैठ गया तो टू मच लॉन्ग हो जाएगी हमारी जो वीडियो है ना। तो मिलते हैं कल के एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।